इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां इमरान खान को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। पाकिस्तान में पहले इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पाकिस्तान की सरकार ने इस बैन को भी हटा दिया है। और पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शनिवार को पीटीआई के चीफ अध्यक्ष इमरान खान के लाइव और रिकॉर्ड किए गए भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर प्रसारित करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये बैन ज्यादा देर तक नहीं रहा। बैन हटने के बाद अथॉरिटी ने कहा कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था। पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया कि बैन की कार्रवाई इमरान खान के उस बयान को लेकर हुई जब उन्होंने देश के नाम एक संबोधन के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। इमरान पर हमले के दिन से ही पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया। बाजवा की फौज और शहबाज की सरकार दोनों की हालत खराब हो गई। इसी खराब हालत में इमरान खान का क्या करना है, इमरान खान को जवाब कैसे देना है, इमरान पर लगाम कैसे लगानी है, ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑर्डर की ये कॉपी है। यह ऑर्डर पाकिस्तान सरकार के निर्देश पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जारी किया। इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि 4 नवंबर को इमरान ने खुद पर हमले को लेकर जो आरोप लगाए उससे नफरत फैल सकती है, इसलिए उनके बयानों पर रोक लगाई जाती है। लेकिन जैसे ही बैन के ऑर्डर की यह कॉपी सार्वजनिक हुई, पाकिस्तान सरकार डर गई। शहबाज शरीफ को इतनी तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा कि वो पीछे हट गए और उसके फौरन बाद आदेश जारी कर दिया गया कि इमरान के भाषणों पर कोई बैन नहीं है। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि बैन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लगाया, जबकि बैन हटाने का ऑर्डर पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी किया गया, वो भी सेक्शन 5 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके। इमरान ने अपने तल्ख और बेबाक बयानों से शहबाज सरकार को इस तरह घेरा कि 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा। शहबाज पर कितना प्रेशर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्हें जांच की मांग करनी पड़ गई, इमरान से सबूत दिखाने को कहने लगे। कल और परसों जो बदतरीन किस्म की जो इल्जाम तराशी की गई है और एक मरतबा फिर झूठ और घटियापन का मुजाहरा किया गया और ये कहा गया कि इस वाकया के पीछे एक साजिश हुई है जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्ला और इदारे के एक अहम अफसर तीनों ने मिलकर की है। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। आप अपने झूठ, अपनी बदनीति और घटियापन से आप कौम को बुरी तरह आप तबाही के किनारे ले जाने की एक बहुत ही अफसोसनाक हरकतें कर रहे हों, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ है और हर उस फर्द का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान नियाज़ी और बाकी ज़ख्मियों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मुसलसल जो झूठ बोला जा रहा है, कौम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और कौम को छलनी छलनी किया जा रहा है, अपनी बदतरीन और घिनौनी साजिशों से कि दिन रात ये झूठ बोलने वाला शख्स आज फिर ना सिर्फ मेरी बात छोड़ दें, सियासी कबीले की बात छोड़ दें, आज वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इस तरह हमला आवर है कि जिस तरह खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन हमला कर दे। दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को और क्या चाहिए? वो तो आज खुशियां मना रहे हैं, वहां पर खुद आपने
हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर उनके किस तरह मुस्कुराहटें उनके चेहरों पर हैं कि किस तरह इमरान खान अपने आईएसआई और अपने फौजी इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है। ये तस्वीर गौर से देखिए, इसे एक पाकिस्तानी फोटो जर्नलिस्ट ने शनिवार को कैमरे में कैप्चर किया है। पाकिस्तान की पुलिस इमरान के सपोर्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, सब कैमरे पर हो रहा है। ये आप मनाजिर, लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे इस स्क्रीन पर। ये पुलिस पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, और जब वो आगे बढ़े तो यहाँ पे एफसी के जो अहलकार हैं, पुलिस इस्लामाबाद की जो पुलिस है, उन्होंने बाकायदा शेलिंग जो है वो शुरू की। बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ी हैं, और जिस तरह पथराव करने की कोशिश की जा रही थी, जो कारकुनान है, जुनेद थोड़ा सा पीछे भी आए, जो कारकुनान है वो यहाँ पे एक शख्स जो है वो जख्मी भी हुआ है या उसको पकड़ लिया गया है पुलिस की जानिब से, उसको जो है लाया जा रहा है, गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये देखें, बिल्कुल अब कोशिश की जा रही है कि जिस तरह पथराव करने की कोशिश की जा रही थी तो एक शख्स को जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद जो एफसी के अहलकार हैं वो उसे लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़े, पथराव करने की कोशिश की, तो यहां से शेलिंग, आंसू गैस जो है वो फेंके गए। लड़ाई एक तरफा नहीं, दो तरफा है। इधर इमरान और उसके सपोर्टर्स हैं तो उधर शहबाज शरीफ की सरकार है, जिसके सर पर फिलहाल तो पाकिस्तानी फौज का हाथ है। इमरान अपने ऊपर हुए हमले को लेकर अलग थ्योरी दे रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की चिंगारी इन्हीं बयानों से फूंक रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को भड़काने के लिए ये तक कह रहे हैं कि चार लोगों ने बंद कमरे में मीटिंग करके मर्डर का प्लान बनाया। दावा तो ये तक है कि इमरान के पास उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हमला कब होना था, कैसे होना था, इमरान को पहले से ही सब पता था। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते मेरे ख्याल में इनका, इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे किन्नर ने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया, और वो वहां से चला गया। अब जो चीज समझने की है वो ये कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है, ये इंतहा पसंद नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।